अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम 18 जुलाई 2020 के आज दिन भर के अपडेट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर आज दिन भर क्या हुआ। और दोस्तों जो आपका एक सवाल आ रहा था कि क्या डीएलएड छात्रों को भी प्रमोट किया गया, इसका आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए, पीएनपी की लेटेस्ट अपडेट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बीएड को प्रमोट किया गया पर डीएलएड को क्यों नहीं। जी हाँ दोस्तों, बीएड छात्रों को तो प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि आपको एक बात और पता है कि जो छात्र बीएड करता है उनको भी मौका मिलता है असिस्टेंट टीचर बनने का, मतलब सहायक अध्यापक। आप लोग डीएलएड करके भी दोस्तों सहायक अध्यापक ही बनते हैं। जब बीएड को प्रमोट किया गया तो यहाँ पर डीएलएड को भी किया जा सकता है, और बीएड को मौके तो और भी ज्यादा मिलते हैं, तो डीएलएड को क्यों नहीं किया जा रहा। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में अपडेट आई थी कुछ दिन पहले कि बीएड के विद्यार्थी भी होंगे प्रोन्नत, ठीक है, इनको भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक डीएलएड के छात्रों को प्रमोट करने को लेकर कोई भी सूचना नहीं आई। इसका मतलब क्या है, क्या डीएलएड छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सवाल तो ये खड़ा होता है। एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बता दें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, डीएलएड 2020 एडमिशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, नया सत्र, नया सेशन शुरू होने वाला है डीएलएड का। और देखिए डीएलएड छात्रों का भविष्य अदर में, अगर आप लोग 2018 बैच के छात्र हैं या 2019 बैच के छात्र हैं, तो फिर दोस्तों आपको जो फ्यूचर है वो आपको अंधेरे में दिख रहा होगा, क्योंकि अभी तक दोस्तों डीएलएड में आगे को लेकर कुछ किया तो जा नहीं रहा, ना कॉलेज में दोस्तों कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी कि पेपर होगा या कैंसिल होगा या प्रमोट होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, भविष्य अदर का मतलब क्या होता है कि अभी दोस्तों आपको कुछ पता नहीं कि अभी होना क्या है। अभी ना तो ये क्लियर है कि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा कि थर्ड का होगा, आपके कॉलेज में पढ़ाई सेकंड और फोर्थ की हो रही है। उसके बाद दोस्तों एक बात और यहाँ होती कि आपके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग भी अब शुरू हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग शुरू की जा रही है। टीचिंग के बाद आपको बताते जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में थे उनकी क्लासेस अब थर्ड की शुरू हो जाएगी, फोर्थ वाले बच्चों का यहाँ पर डीएलएड कंप्लीट मान लिया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर होगी किसी को तो वो 2019 का बैच होगा, 2018 बैच भी दोस्तों खतरे में होगा। अब खतरा उनके लिए क्या होगा, देखिए अभी दोस्त इनको आगे सुपर टेट का अपना देखना है, यूपी टेट का देखना है, सी टेट का देखना है, काफी चीजें हैं। अब वो बच्चे परेशान रहेंगे यार कि इधर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड कंप्लीट हुए बिना तो ना वो सुपर टेट का पेपर ही नहीं दे सकते, फॉर्म भी नहीं भर सकते, पेपर तो बहुत दूर की बात हो गई। तो एक बात और आपको बता दें कि अभी तक दोस्तों फिलहाल डीएलएड छात्रों को प्रमोट करने को लेकर कोई सूचना नहीं आई। तो फिलहाल आप लोग अफवाह से सावधान रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दीजिए। फिलहाल अभी तक आप लोग को प्रमोट करने को लेकर कोई खबर नहीं है, सूचना नहीं है। हम भी दोस्तों प्रयास कर रहे हैं जैसे ही कोई सूचना मिलती है आप लोग तक पहुंचा देंगे, क्योंकि आप लोग सुबह शाम दिन रात इसी खबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको भी प्रमोट करने को लेकर कोई अपडेट आ जाए। ठीक है, प्रमोट नहीं किया जाता तो भी ठीक है, लेकिन दोस्तों एटलीस्ट कम से कम एग्जाम की डेट तो आ जाए। जैसा कि हमने बोला कि बीएड करने के बाद भी दोस्तों बच्चे सहायक अध्यापक बन सकते हैं, उनको जब प्रमोट किया जा सकता है तो डीएलएड को क्यों नहीं। क्या डीएलएड कुछ अलग तो है नहीं, डीएलएड और बीएड में आज के डेट में कोई अंतर है नहीं, और बीएड के छात्रों को मौका ज्यादा मिलता है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, जबकि दोस्तों बीएड के छात्रों को भले प्रमोट ना करते तो चल जाता, लेकिन डीएलएड के छात्रों को प्रमोट करना चाहिए था। एक बात और आपको बता दें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगले महीने से फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का एडमिशन याद होगा तो पिछले साल जो बच्चे 2019 बैच के हैं, अब 2018 बैच के छात्रों ने तो फीस दे दी होगी, लेकिन 2019 बैच के जो छात्र होंगे इनका सेशन अगस्त 2019 से शुरू है, ठीक है, तो इन्होंने लास्ट टाइम पिछले साल अगस्त में अपनी फीस सबमिट की होगी। फिलहाल दोस्तों आपका अगस्त फिर से आने वाला है, तो अब तैयार हो जाइए पैसे देने के लिए। अब आप कहेंगे पेपर तो हुआ नहीं, हम पैसे दे आना दें, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग अपने कॉलेज पर भी प्रेशर बना सकते हैं कि भाई कॉलेज वाले भी आगे तक आपकी बात को पहुंचाया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपकी बात पहुंचेगी कैसे, पीएनपी तक। देखिए कॉलेज वाले चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, सभी कॉलेज एक हो जाए, क्योंकि कॉलेज वाले देखिए फीस मांगने में भाई पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाले, ना वो शरमाएंगे ना कुछ है, फीस आपसे वो लेकर रहेंगे। देखिए फीस देने से आपका फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान उन छात्रों का होगा, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में काफी ऐसे छात्र होंगे जिनका सेमेस्टर बैक आने वाला है, ठीक है, सेमेस्टर बैक का मतलब होता है उनको फर्स्ट सेमेस्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो जिन छात्रों की सेमेस्टर बैक लगेगी उनके पास दो चीजें होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों पहली ये चीज होगी कि वो पहली बात तो डीएलएड को छोड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो डीएलएड को छोड़ दें, क्योंकि उनको फर्स्ट सेमेस्टर फिर से देना है, तो मतलब उनका एक साल पीछे हो चुका है, तो वो चाह सकते हैं बीएड करने को लेकर।
तो आप लोग दोस्तों दूर का सोच सकते हैं, तो कभी कभी होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर आपके सेमेस्टर बैक इन केस लग जाते तो आप बीएड के लिए एक बार प्रयास कर सकते हैं। आप बीएड का देखिए, क्योंकि बीएड करने के बाद आपको मौके ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं आप फीस भी दे देते हैं, आपके सेमेस्टर बैक भी लग जाती, तो फिर तो आप डीएलएड छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपने दोनों साल की फीस तो सबमिट कर चुके हैं। तो ये सब देखिए दिक्कतें भी है। तो मतलब अगले महीने से, हर हाल में अगले नहीं तो सितंबर तक फीस की देखिए प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कॉलेज वाले बिना शर्माए आपसे पैसा मांगेंगे, और आप ये बहाना नहीं बना पाएंगे कि लॉकडाउन है, हमारे पास पैसे नहीं। क्योंकि आपको पता है, प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, पैसे को मामले में पीछे कोई नहीं हटने वाला, फीस तो वो लेकर रहेंगे आपसे, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भले आपको ना मिल रही हो, जो कोई दोस्तों डीएलएड ने कोशिश की, देखिए पीएनपी की तरफ से भाई पूरा प्रयास किया गया कि आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस दी जाए, लेकिन अब आपके कॉलेजेस वाले ही आपको पढ़ाए ना, तो फिर इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऑनलाइन दोस्तों जो क्लासेस का शेड्यूल है, तो वो सभी कॉलेजेस के अलग अलग था, सभी कॉलेज वाले अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई नहीं पढ़ा रहा, अच्छी बात है, हम तो पढ़ा रहे हैं ना आपको। अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देख ली होगी, तो तब भी आपको दोस्तों कम से कम नहीं तो 70 से लेकर 90% तक आपका कोर्स कवर होगा। बाकी थोड़ी बहुत और मेहनत करेंगे आप लोग किताबों का सहारा लेकर, तो 100%। और फिलहाल दोस्तों हमारी वीडियोस को देख कर ही आप पासिंग मार्क अच्छे से ला सकते हैं, मतलब अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बाकी देखिए कुछ आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही जगह से आते हैं, तो मेहनत करिए आप लोग। और देखिए एक बात और आपको बता दें, हमारे देश में कोरोना के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 34,820 मामले आए, 676 लोगों की जान जाती है, 26,000 से अधिक लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। ये दोस्तों केस हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि काफी बच्चों के मन में होगा, क्या सितंबर में क्या डीएलएड का पेपर हो सकता है। देखिए दोस्तों वो जो पूरा प्रोसीजर है वो विश्वविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए आया है। अगर आप लोग डीएलएड के अंतिम सेमेस्टर में होते तो हो सकता था आपका पेपर करा लिया जाता जल्द से जल्द, लेकिन दोस्तों जो छात्र अंतिम सेमेस्टर में नहीं है, तो उनका पेपर को लेकर कोई जल्दी नहीं है किसी को, ठीक है। इस समय कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन जब आप लोग से टीचिंग कराई जा सकती है तो पेपर क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग टीचिंग करने भी तो आपको कम से कम प्राइमरी स्कूल में गाँव तक जाना पड़ता ही होगा। कुछ छात्र ऐसे होंगे जो शहर के रहने वाले होंगे, घर से दूर जाना पड़ रहा होगा। देखिए भाई सावधानी बरतिए इस समय, कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है। और सिंपल सी बात एक याद रखिएगा, अगर आपको कोरोना वायरस होता है तो आपके चक्कर में आपका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बच्चन फैमिली था, आपने देखा था कुछ दिन पहले, एक लोग को कोरोना हुआ, उनके पूरे फैमिली में कोरोना वायरस फैल गया। वैसे दोस्तों कोई भी इंसान कितना भी सामान्य होगा, अमीर होगा गरीब होगा, अगर आपको कोरोना होता है तो आपके चक्कर में आपका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ जाएगा। हाँ अगर आप समय रहते हो भाई उसका चेकअप करा लेते हैं, अपने आप को होम आइसोलेशन में रख लेते हैं, या कुछ और दोस्तों करेंगे, तो हो सकता है कि आपका कोरोना मतलब आप तक ही सीमित रहे और किसी तक ना पहुंचे। तो इन सब बातों का आप ध्यान भी रख सकते हैं। तो फिलहाल देखिए इस वीडियो में बस यही कहना चाहेंगे, अभी तक आप लोग अफवाहों से बचिए। सोशल मीडिया पर काफी अफवाह है कि नहीं डीएलएड छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रयास जारी है, राज्यपाल तक भी दोस्तों पत्र लिखा गया छात्रों की तरफ से, लेकिन अभी तक उस पर कोई अंतिम मुहर नहीं लगी। पीएनपी ने दोस्तों कुछ दिन पहले एक बात को क्लियर किया था कि डीएलएड में प्रमोट करने को लेकर कोई प्राविधान नहीं है। देखिए आज से पहले दोस्तों कहीं पर भी किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जाता था। आपको पता है कोरोना वायरस की जो महामारी है फर्स्ट टाइम आई है, और अपने लाइफ में दोस्तों हमें नहीं लगता कि शायद आपने भी कभी ऐसी इतनी बड़ी महामारी देखी होगी, जहां दोस्तों पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाती है। जी हाँ दोस्तों हमारे देश में तो लॉकडाउन लगा ही लगा, बाकी पता नहीं कितने देशों में लॉकडाउन लगा। और एक बात और आपको बता दें कि सैटरडे संडे उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है कि भाई अब हर हफ्ते लॉकडाउन लगने वाला है। तो हाँ इन सब चीजों की सावधानियां बरती है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे दोस्तों हम आपको देते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई देखे करते रहिए। और आपका जो सवाल था कि हम कौन से सेमेस्टर का पढ़े, तो देखिए सिंपल सी बात बता दी दोस्तों, पहले आप लोग फर्स्ट का ही देखिएगा। जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र थे फर्स्ट का देखे, थर्ड वाले थर्ड का देखेंगे। अगर आपको लगता है आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट है, थर्ड वालों को लगता है थर्ड कंप्लीट है, तो फिर फर्स्ट वाले सेकंड का, थर्ड वाले बच्चे फोर्थ का पढ़ाई करेंगे। अगर आपको लगता है नहीं यार हमारी पढ़ाई अधूरी है, तब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। एक बात और आपको बता दें, जैसे दोस्तों डीएलएड छात्रों का जुलाई में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या दोस्तों डीएलएड छात्रों को अगर प्रमोट करने की बात होती है तो क्या फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों को प्रमोट कर देंगे इनको, क्या मतलब इनको थर्ड सेम में भेज देंगे? देखिए नियम के तौर पर तो भेज देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर जगह आपने देखा था जहां पर 1 साल कंप्लीट हुआ सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, चाहे इंटर हो, हाई स्कूल हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन तक में दोस्तों सिर्फ फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़ा गया है, बाकी सबको प्रमोट करने की बात हो चुकी है। तो
तो यहाँ पर डीएलएड छात्रों को प्रमोट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो 2 साल का हमारा डीएलएड का कोर्स है वो 2 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए। कुछ चीजें समय से कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको फायदा आगे मिलेगा जब आप टेट का पेपर देंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेट में दोस्तों सबसे पहले नाम आपका आता है यूपी टेट और दूसरा नाम आता है आपका सी टेट। सी टेट पास कर लेंगे तो बेहतर होगा, उत्तर प्रदेश के बाहर अगर कोई वैकेंसी आएगी तो वहाँ सी टेट काम करेगा, यूपी में भी काम कर जाएगा। लेकिन यूपी टेट की दोस्तों जो वैधता होती है, जो भी आप समझ लीजिए, इसकी सर्टिफिकेट दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही काम करेगा, यूपी के बाहर यूपी टेट काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेट की जब परीक्षा आप पास कर लेंगे कैसे ना कैसे, उसके बाद फिर आपके पास एक सबसे बड़ा पेपर आएगा जिसका नाम होगा सुपर टेट। सबसे बड़ी चुनौती होगी सुपर टेट, इसमें अच्छे नंबर लाएंगे तो सीधे आपको नौकरी मिलेगी, फिर दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों और भी वीडियोस में और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आप लोग अपने देखिए पढ़ाई करते रहिएगा, और अभी तक फिलहाल आपको प्रमोट नहीं किया गया तो आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। सरकार ने फैसले दोस्तों भले ले लिया हो सभी छात्रों को प्रमोट करने को लेकर, लेकिन डीएलएड छात्रों को प्रमोट फिलहाल अभी तक तो नहीं किया गया। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक स्टे कनेक्टेड। अगर आपको प्रमोट नहीं किया गया तो हमने आपको गिना दिया कि कितने नुकसान होंगे, और अगले महीने से भाई फीस के लिए भी आपके कॉलेज वाले आप पर टूट पड़ेंगे। तो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, जो छात्र अपने दम पर डीएलएड कर रहे हैं तो पैसा जरूरी है। देखिए पैसा नहीं देंगे तो फिर कॉलेज वाले जानते हैं ना आपका साथ देंगे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।